नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:34 से लेकर 12:58 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन मीन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा रवि और बुध के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके लिए जो आज का दिन है, बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। खास करके अगर आप किसी अलग से विषय पर कुछ सोच रहे हो, जो कि करियर के बारे में है, उसके संदर्भ में कुछ अच्छा विचार मंथन आपका हो सकता है, कुछ इनडेप्थ सोच हो सकती है। हालांकि आपकी राशि सोचती नहीं ज़्यादा, इम्प्लीमेंट जल्दी करती है, एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा मूड आपका अलग होगा। तो सोच थोड़ी होगी, विचार थोड़े होंगे, और उससे कुछ अच्छी बात निकलेगी जो कि पॉजिटिव होगी और आगे जाके आपको वो उपयोग में आप ला सकोगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके लिए आज का जो दिन है खास है, क्योंकि जो भी आपके मन में विचार है और जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस इसके पहले आपको लग रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ रेमेडी आपको मन ही मन में सूझ सकती है। उसके संदर्भ में कुछ उपाय आपको सूझ सकते हैं कि किस तरह जो भी ऑब्स्टेकल आपके सामने है, जो भी अड़चने आपके सामने हैं, उसको ऊपर किस तरह से मात की जाए या फिर उसको किस तरह से नॉर्मल किया जाए, इसके बारे में जो भी आप आइडियाज़ लगाओगे या फिर जो भी विचार करोगे, उससे आपको कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आएंगे, नई कल्पना आएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायक है। तो आज का जो पूरा दिन है सोच विचार में बीतेगा, लेकिन वो जो सोच होगी वो पॉजिटिव होगी और उससे जो भी निचोड़ आएगा वो आपके लिए आगे जाके बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपे के द्वितीय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, पैसे के मामले में देखा जाए, प्रत्यक्ष लाभ के बारे में देखा जाए, तो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, जो भी आपका करियर है, वहाँ पर आपके काम के अप्रिसिएशन हो सकती है, हो जाएगी, और वहाँ से कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। आज के दिन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो दिन बहुत ही अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, लकी डे भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि पैसों के बारे में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो पूरी तरह से नॉर्मल होने जा रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं उसके ऊपर कुछ अच्छे आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे, कुछ नए आइडियाज़ वगैरह मिलेंगी। फैमिली के जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस खास करके फाइनेंस के बारे में थे, वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो दिन बहुत ही अच्छा है, लकी डे भी है आपका, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, राशि के वही भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके लिए भी देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है। जो भी स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 10-12 दिन में आपके मन में तैयार हुआ था, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आपको आ सकते हैं, खास करके पैसे के बाल में छोटे मोटे लाभ भी आज के दिन आपको मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है। मुझे पता है कि आपके वैभव में रवि मंगल चल रहा है, तो थोड़ा स्ट्रेस में आप चल रहे हो, लेकिन थोड़े दिनों की बात है जैसे रवि मंगल आपके राशि में आ जाएगा, आपके इसके बहुत अच्छे जो इफेक्ट है, परिणाम है, वो मिल जाएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पैसों के मामले में, पैसे के मामले में, करियर के मामले में काफ़ी आपको अच्छी आज का जो दिन है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उनसे भी आज आपको कुछ अच्छे रिजल्ट या फिर परिणाम आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके दशम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा
नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, तो करियर के मामले में बहुत अच्छा दिन है। कैसे दिन आया, कैसे चला गया, आपको समझ भी नहीं आएगा। और अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अदर इनकम के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके इनकम सोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके बारे में जो भी कल्पना आज आपको आएगी, या फिर आप जो भी सलाह आपको मिलेगी आज के दिन, उसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आगे जाके वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आज आपके काम की सराहना या फिर एप्रिसिएशन भी हो जाएगा, तो आपका जो मूड होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके भाग्य भाव में स्थित रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी आप सोचोगे उसी तरह से काम आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, जिस वजह से आपका जो मूड होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। पिछले कई दिनों से अगर आप किसी योजना के ऊपर काम कर रहे हो जो कि बहुत बड़ी है, तो उसके बारे में कुछ अच्छे जिसे हम रिजल्ट या फिर खबर आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी खिला खिला नज़र आएगा। वैसे भी देखा जाए तो अभी जो करंट आपका जो पीरियड जो चालू है वो काफ़ी अच्छा चालू है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो रहे हैं। तो आज का जो दिन है आपके लिए लकी डे भी कह सकते हो, या फिर अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो तो उसकी शुरुआत भी आज के दिन आप कर सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो घर के जो भी मामला थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। घर के व्यक्तियों के जो भी इच्छा आकांक्षाएं है वो आप पूरा करोगे और आज के दिन थोड़ा सा आराम करना पसंद करोगे और आपको वो आराम मिलेगा भी। तो काफ़ी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके सप्तम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन है। छोटी मोटी बात रहेगी, आपके जो वैवाहिक संतरंग है वो छोटी मोटी बातों से लेकर तकरार तो नहीं हो सकती, हारमोनी होगी, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं वो आज आपको पूरे करने पड़ेगी और आज आप पूरे भी करोगे। आज के दिन सफ़र वगैरह हो सकता है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर फैमिली मेम्बर है उनको लेकर कहीं घूमना फिरना हो सकता है। तो दिन आपका वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। आज आपका मूड है वो काफ़ी हैप्पी वाला नज़र आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए करियर के मामले में जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम के एप्रिसिएशन हो सकती है और आपका जो डिसिप्लिन नेचर है और इंटेलिजेंस जो आपकी राशि की है वो अच्छी नापी जाएगी और आप उसका एप्रिसिएशन भी होगा जाएगा और आपके काम करने के एक विशिष्ट जो मेथड है उसके ऊपर भी आज आपको काफ़ी सारा नाम मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन है, खास करके करियर के मामले में इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। आज के दिन कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है या फिर आपको कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, आपके पंचम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज का। जो भी आप करोगे उसमें आपको सही नंबर मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी आपने सोचा था उसी प्रकार से बात होने वाली है और जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। कुछ अच्छे ट्रेड्स आपसे हो सकते हैं या फिर उस कुछ अच्छा मुनाफा भी आज के दिन आप कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये था दिनांक 22 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।